मुरादाबाद राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर 11 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपा। अध्यक्ष सैयद आसिफ हुसैन ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की, अन्यथा सांसद विधायकों की भी पेंशन बंद की जाए। राज्य कर्मचारियों की 50 वर्ष की आयु पार करने अनिवार्य सेनानिवृत्ति तत्काल बंद की जाए व कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू होने की घोषणा के बावजूद कुछ सुविधा युक्त चिकित्सीय संस्थानों के साथ शासकीय अनुबंध शीघ्र कराए जाने की मांग की। आसिफ हसन मेरा नाम है, मंडलीय मंत्री हूँ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। जी किस मामले पर आपने ज्ञापन दिया? ये हमारे प्रांतीय नेतृत्व ने जो फैसला दिया है, प्रांतीय आह्वान पर हमारा ये प्रत्येक जिले के मुख्यालय पर आज ये धरना है, जिसमें राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जितने भी घटक संगठन है आज वो सब इस धरने में शामिल है। काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ जनपद मुरादाबाद में कलेक्ट्रेट पर यहाँ पर मौजूद हैं और हमारा जो 11 सूत्रीय मांग पत्र है वो आज हमने यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को दिया है ताकि वो इस ज्ञापन को चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को भेज। क्या क्या मुख्य मांगे हैं? हमारी पुरानी पेंशन जो हमारे एक ज़माने से संघर्ष चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है और जब ये वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, सांसद रहते हुए इन्होंने भी उसके लिए पत्र लिखा था। राजनाथ सिंह जी जो हमारे वर्तमान केंद्रीय मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी पत्र लिखा था कि इनके जो पेंशन है वो इनकी वाजिब है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन जब आज ये सरकार बनी है तो ये लोग अपने वायदे से मुकर रहे हैं, तो हम इनको याद दिलाने के लिए कि जब आप विपक्ष में थे तब आप हमारे साथ थे, तो आज भी आपको हमारे साथ खड़े रहकर हमारी ये पुरानी पेंशन जो हमारा अधिकार है, जो 30 साल 40 साल हम लोग सर्विस करते हैं उसके बाद हम सिर्फ पेंशन पे ही हमारा जीवन निर्वाह होता है, तो हमारी ये पेंशन जो आपने छीनी है ये पेंशन आप हमें दो, इसी को लेके हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और अगर हमारी पेंशन देने में आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, तो हम ये भी मांग करेंगे कि जितने भी आपके सांसद और विधायक हैं जो अगर विधान परिषद में रह लें तो उनकी विधान परिषद की पेंशन अलग मिलती है, जो विधानसभा में रह लें विधानसभा की पेंशन अलग मिलती है, लोकसभा राज्यसभा जिस सदन में भी वो रहेंगे उस सदन की उनको अलग अलग पेंशन मिलती है। तो अगर आप हमारी पेंशन दोगे तो हमारी डिमांड है, और अगर आपको कहीं कोई पेंशन में हमारी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने सांसद विधायकों की भी पेंशन खत्म करो।